Yeah, man. आपका नाम क्या है और क्या क्या मसला हुआ? मेरा नाम सुलकरने है, ये मेरा भाई था। आज से पहले से छह महीने पहले इनको आप इसने पिक किया और यहाँ से घर से पिकअप किया 16th को और 26th को FIR लॉन्च किया। तब तक उसको थाने में ऐसे ही विदाउट एनी FIR थाने में रखा था, तो फिर पता नहीं ऐसे ही कुछ झूठा इल्जाम लगाए इसके ऊपर और ऐसे ही PSC लगा दिया और कुटवा जेल किया, ट्रांसफर रेफर किया कुटवा जेल। फिर वहां से आके इसका काश हो गया, फिर यहां से आके वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में था, तो आफ्टर फिर इसकी बेल हो गई। बेल होके मतलब हमने बेल ऑर्डर पुलिस स्टेशन लिया, लेकिन आफ्टर 15-20 डेज ये विदाउट ICI मतलब बेल दी थी, तो ICI रखा था बंद। ये बोल रहे थे कि हम नहीं छोड़ेंगे, आफ्टर कोर्ट जुडिशल कोर्ट जो पुलवामा का कोर्ट है उन्होंने बाजाबता दौर में इसकी बेल की थी, तो फिर भी नहीं छोड़ा इसको। 20 दिन वहां ही रखा और 20 दिन के बाद छोड़ा और इसने अच्छी तरह से अपनी जिंदगी गुजारी थी इन 2-2.5 महीनों में। तो ये पढ़ा रहा था उधर, इसका अपना इंस्टीट्यूट है इधर इलाइट अवंतीपुरा में और ये स्कूल में भी एक एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा था। परसों शाम को ये आ गए लोकल पुलिस स्टेशन के इसके कंसर्न DSP और बहुत सारे ये थे कि हमारे दो तीन घरों को कॉर्डन किया, तो हम सोए थे सभी, हमारे सभी फैमिली मेंबर्स को बाहर निकाला, फीमेल्स को भी बाहर निकाला, एक कमरे में बांध किया और उसको अपने साथ ले गए। तो फिर हमने कंसर्न पुलिस स्टेशन को बोला कि वो कहाँ है सुबह, और उन्होंने कल रात को भी बोला था किसी को कम्युनिकेट मत करो, तो हम पहले आपको बोलेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसे हमने किसी को कम्युनिकेट किया, सुबह हम गए कंसर्न पुलिस स्टेशन, तो ये बोला कि इन्होंने बोला कि वो कार्गो के हाथों में है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो आप वही जो भी करेंगे वही करेंगे। अब आज सुबह हमको इतना मिली कि उन्होंने ये वो मार गए कार्गो स्टेशन में, इंटरोगेशन उसको जेन कस्टडी में मारा गया है। तो ये हमको पता नहीं, हम जब इधर आ गए तो सभी लोग आ रहे थे हमारे घर, पता नहीं चला कैसे क्या।